चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं ढाबा स्टाइल गोभी के पराठे। गोभी का पराठा बनाने के लिए पहले हम लोग स्टफिंग तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज़ का गोभी कद्दूकस करके ले लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, कुछ कटी हुई बारीक हरा धनिया और ये कटा हुआ प्याज। चलिए हम स्टफिंग बनाते हैं। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा, फिर ये मीडियम फ्लेम होना चाहिए, डालेंगे ऑनियन, फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा हो गया तो स्टफिंग ऑयली हो जाएगी, तो फिर पराठा नहीं बनेगा अच्छे से। इसी में हम साथ में हरा मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, क्योंकि अच्छे से हमें इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जाए और ये जले नहीं। ऐसे ही हम थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन प्याज अदरक पेस्ट मिर्ची सारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गोभी, कद्दू कस की हुई जो गोभी है वो हम सारी इसमें डालेंगे। सबसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें साथ में ही गरम मसाले ऐड कर देंगे, जो मसाले डालना है हमें, वो नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, जो कम ज़्यादा, कुछ लोग कम ज़्यादा खाते हैं। नमक हो गया, ये हमारी हल्दी पाउडर, हरी मिर्च डाली है इसलिए रेड मिर्च थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर। गरम मसाला हम नहीं डालेंगे इसमें, अगर डालना चाहते हो आप तो डाल सकते हो। अभी इसको हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, ऐसे भून के इसको हमें पकाना है, ढकना भी नहीं है। ऐसे ही चला चला कर हमें पकाना है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। गोभी भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, ये स्टफिंग के लिए अभी तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया मिक्स कर देंगे। आटा सिंपल तरीके से गूंथा है मैंने, जैसे रोटी के लिए गूंथते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए इसका वीडियो नहीं करा है। ये हम ऐसे लोइयां काट के रख लेंगे। ये हम सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे। और हमने तावा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। देखिए, ना ज्यादा भी नहीं भरना है कि हमारा पराठा फट जाए। ये हम ऐसे गोल घुमाते हुए लोई को बनाना है। ये हमारी लोई तैयार हो गई है।
से हल्के हाथों से ऐसे राउंड में घुमाएंगे। ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाने में तो फट जाएगा, हम छोटा छोटा सा ही। ये पराठा हमारा रेडी और तवा भी गर्म हो गया है। पराठे में आप बटर, घी, तेल कुछ भी, मैं ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसा। ये हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल। दूसरी साइड से भी ऑयल लगा देते हैं, इसे स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। ये हमारा ढाबा स्टाइल गोभी का पराठा रेडी है। ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे, आप भी इसे घर पर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।